desire ignorance and inequality. This is the trinity of bondage. Hit the subscription button and press the bell icon for the latest updates from the Ratanji Technical. दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट कॉमनली यूज्ड बिल्डिंग मटेरियल ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स होती क्या हैं, ये कितने टाइप्स की होती हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्लास ब्रिक्स होती क्या हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ में। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है रत्नेश और आप देख रहे हैं रतनजी टेक्निकल। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट हम बात करते हैं ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स जो कि एक मोस्ट कॉमनली यूज्ड बिल्डिंग मटेरियल है एंड इसका यूज़ हम जो है कॉलम, पेविंग फ्लोर्स, रूफ्स एंड बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्ट करने में करते हैं। सो ब्रिक्स आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बिल्डिंग मटेरियल यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रूफ्स, पेविंग फ्लोर्स, कॉलम ETC। एंड अब हम बात करते हैं ब्रिक्स की स्टैंडर्ड साइज के बारे में। तो ब्रिक्स की स्टैंडर्ड साइज 19 cm × 9 cm × 4 cm या 19 cm × 9 cm × 9 cm होती है। एंड ब्रिक्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो करीब 2 होती है, अर्थात ये वाटर की अपेक्षा में 2 गुना भारी होती है। बिकॉज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एनी मटेरियल इज डिफाइंड एज द रिलेटिव डेंसिटी विद रिस्पेक्ट ऑफ वाटर। एंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर 1 m³ ब्रिक मशीनरी इज 500। एक्चुअली 1 m³ वॉल्यूम में टोटल 550 ब्रिक्स आती हैं, बट ब्रिक मैसनरी के लिए हमें 500 ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है। अब हम बात करते हैं ब्रिक्स की क्लासेस के बारे में। बेसिकली ब्रिक्स की 3 तरह की क्लासेस होती हैं। फर्स्ट क्लास ब्रिक्स आर दोज ब्रिक्स विच आर वेल बर्न्ड एंड हैव द पर्टिकुलरली रेगुलर परफेक्ट रेक्टेंगुलर शेप एंड यूनिफॉर्म रेडिश कलर। सो फर्स्ट क्लास के ब्रिक्स का कलर यूनिफॉर्मली रेडिश ग्रे होता है एंड इनका जो शेप होता है वो यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर शेप होता है। एंड द फर्स्ट क्लास ब्रिक्स शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन 20% ऑफ इट्स ओन ड्राई वेट आफ्टर 24 आवर इमर्सन इन द वाटर। इन्हें पानी में डुबोने पर 24 घंटे बाद अपने ड्राई वेट का 20% से अधिक वाटर एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। And the minimum compressive strength of the first class bricks is 10.5 MN per meter square. चलिए बात करते हैं second class bricks के बारे में। Second class bricks जो होती हैं ये slightly burned होती हैं। इनका color हल्का yellow color का होता है and surface rough होता है, ठीक है। Second class bricks की water absorption value 22% होती है of its own dry weight। इन्हें 24 आवर वाटर में इमर्स करने के बाद में ये अपने ओन ड्राई वेट का 22% वाटर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। सेकेंड क्लास ब्रिक्स की मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 7 MN पर मीटर स्क्वायर होती है। चलिए अब बात करते हैं थर्ड क्लास ब्रिक्स के बारे में। जो थर्ड क्लास ब्रिक्स होती हैं ये प्रॉपरली बर्न्ड नहीं होती हैं। थर्ड क्लास ब्रिक्स आर नॉट प्रॉपरली बर्न्ड इन द क्लीन एंड दीज आर अंडर बर्न्ड। ये कम पकी हुई ईंटें होती हैं एंड सो ये बहुत ही सॉफ्ट होती हैं एंड हम इन्हें ईजिली ब्रेक कर सकते हैं। दीज ब्रिक्स आर हैव द वाटर एब्जॉर्प्शन वैल्यू 24%। इनको वाटर में इमर्स करने पर 24 आवर के लिए ये अपने ओन ड्राई वेट का 24% तक का वाटर एब्जॉर्ब कर लेती हैं एंड ये इरेगुलर शेप में होती हैं। मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इनकी 3.5 MN पर मीटर स्क्वायर होती है। दोस्तों इसके अदर ब्रिक्स की एक ऐसी क्लास होती है जो कि जामा ब्रिक्स के नाम से जानी जाती है। ये ब्रिक्स काफ़ी ज़्यादा बर्न्ड होती हैं ग्लिन में एंड इनका शेप कम्प्लीटली इरेगुलर हो जाता है एंड ये डार्क ब्लूइश कलर में होती हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।